नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर किसानों के लिए ड्यूटी पर लगाए गए पीएससी के जवानों पर अनियंत्रित होकर एक ट्रक ने टक्कर मार दी है और इस हादसे में दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन लगातार जारी है और उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आती है कि एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया था, जिसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ उसने जवानों को टक्कर मार दी है, जिसके चलते दो जवान की मौके पर ही मौत हो गई है और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक ट्रक अनियंत्रित हो गया था। आप तस्वीर देखिए, जिस तरीके से ट्रक में तोड़फोड़ हो गई है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चालक फरार है, उसकी गिरफ्तारी यहां पर नहीं हो पाई है। लेकिन यह बड़ी खबर न्यूज़ ऑल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर पीएससी के दो जवानों को टक्कर मारी है और इस टक्कर के बाद हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ऐसे में पुलिस छानबीन कर रही है, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है।